guys, myself BJ. BJ Swami Khan. और मेरा सब खैरियत से होंगे जी, बिल्कुल। तो जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, मैं उनको बहुत बिग थैंक यू कहती हूँ, थैंक यू वेरी मच। और मेरे वीडियोस को अक्सर देखा करें, और आपके लिए मैं व्लॉग्स देख के आती रहूँगी, एंटरटेन करती रहूँगी। बीजे स्वामी खान, कुछ दिनों से मैंने नहीं वीडियो बनाई थी, तो हेक्टिक था, बिजी हुई हुई थी। आपको पता है यहाँ पर कितनी बिजी लाइफ होती है यूके में। तो मैंने जिम भी शुरू किया, तो उसके हवाले से बहुत ज़्यादा बिजी थी। पर एनीवे गाइस, आज मैंने अनबॉक्स करना है एक खास चीज़, आपको दिखाऊंगी भी और बना के दिखाऊंगी भी जी, बिल्कुल। अरे सस्पेंस इज़ अ पार्ट जी, सस्पेंस इज़ अ पार्ट, पर आपको दिखाती ज़रूर हूँ जी, दिखाती ज़रूर हूँ जी। यहाँ पर देखे सॉल्टर का ऑमलेट मेक है जीस जी, और क्या कहते हैं, इसमें बहुत अच्छी रेसिपीज़ बनती है। अभी मैं देख रही थी कि इनकी 1000 के ऊपर रेसिपीज़ है ऑनलाइन, इसमें आप डिज़र्ट भी बना सकते हो, और इज़ वेरी क्विक, और कह रहे 10 मिनट में बहुत अच्छा आला जी आला ऑमलेट बन जाता है जी, बिल्कुल। देसी हो या इंग्लिश ऑमलेट हो, आप बना सकते हो। जैसे आज मैं आपको दिखाऊंगी बहुत मिर्चों वाला जी, चिली वाला ऑमलेट कैसे बनाते हैं इस मशीन के हवाले से। और ये जो ऑमलेट मेकर है बेसिकली इतनी कॉस्टली नहीं है, और मैं लिंक नीचे छोड़ भी दूंगी जिन जिन लोगों ने बाई करना होगा जी। और इसके साथ वो दे रहे हैं, ओह माय गॉड लुक, फ्री इयर्स का गारंटी भी दे रहे हैं, ठीक है ना। ये जो सॉल्टर ब्रांड है ना, इज बहुत अच्छा ब्रांड है, और ये सिंस 1760 के यहाँ पर कर रहे हैं, इनकी जो कंपनी है, हर तरह की वो चीज़ें बनाते हैं। और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर वो टेस्टी ब्रेकफास्ट भी बना सकते हो, इसमें आप रैप्स भी बना सकते हो और केक्स भी बना सकते हो। जहाँ पर ये लिखा हुआ कंबाइन ए वैरायटी ऑफ स्वीट फुली इंग्रेडिएंट्स टू मेक माउथ वाटरिंग डिजर्ट्स, अमेजिंग लग रहा है। तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं, और फिर आप भी घर में ज़रूर बनाना जी, बिल्कुल। मैंने बोल ली है, अब बोल के अंदर मैं डालूंगी एग्स। अब मैंने एग्स डाल दिए, मैंने 3 अंडों का ऑमलेट बनाना था, ये देखिए जी। और ये देखिए, अब मैं प्याज ले रही हूँ जी, प्याज ले रही हूँ, और प्याज ले लूँ जी, और प्याज मैंने छील लिया, ऐसे आपने डाल लेना है। और मैं हरी मिर्च ले रही हूँ, हरी मिर्च 4-5 में हरी मिर्च काटूंगी। ये देखिए नाजरीन, कितना नाइस लग रहा है हरी मिर्च डाल के जी, बिल्कुल। मैंने ऑल्सो ये टमाटर्स डाले हैं, ये हम देखे टमाटर्स भी डाल दिए मैंने। अब मैं डालूंगी कैप्सिकम, कितने मज़े की लग रही है ना कैप्सिकम, अब ये डालूंगी, ये आपको नज़र आ रहा बहुत अच्छा लग रहा। अब मैंने रेड चिली डाली है इसमें, मैंने ये यूज़ किया चिली पाउडर इसके अंदर। अब मैंने सॉल्ट भी डाल दिया, अब ऐसे लगता है जब अच्छी तरह आपने मिक्स कर लिया, कितना नाइस लग रहा। अब मैं डालूँगी सॉल्ट के अंदर जी। नाजरीन ये देखे मैंने अब अनबॉक्स कर दिया, वाह, खोल के दिखाती हूँ, दैट लुक्स सो नाइस। ठीक है, अब मैं इसके अंदर डालूंगी एग्स, ठीक है ना। देखिए नाजरीन, अब इसको मैं स्प्रेड करूंगी दोनों तरफ से, और ऐसे जो इसकी लाइन है ना, ये नज़र आनी चाहिए, तो ऐसे वो मज़े का बनेगा, देखना। अब मैं इसको छोड़ दूंगी और 10 मिनट के बाद देखूंगी। देखो नाजरीन, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़े का लग रहा है, ओह माय गॉड, देखो स्मोक निकल रही है। तो आपको फाइनल लुक दिखाएंगे ज़रूर जब ये रेडी हो जाएगा। एक बिट्टा भी से इंतज़ार कर रही हैं कि कब ये अमृत हो, कब मैं खाऊं इसको जी। बड़ी बिट्टा भी से मैं इंतज़ार कर रही हूँ, देखते रहना है पीछे स्वामी खान को। फाइनल लुक वेरी नाइस, पाइप इन हॉट रेडी हो गया, आप टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा लगा जी, टेस्ट करके बताती हूँ। सो हॉट, वेरी हॉट हियर, हम्म,
वेरी नाइस, हर चीज़ की टेस्ट आ रही है इसमें, बहुत मज़े का बना है, आप भी बनाएं, बहुत जल्दी बन जाता है। जी नाजरीन, कैसे हो, ठीक हो? आज मैं बना रही हूँ मेथी पालक आलू के साथ, और इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं गार्लिक छील रही हूँ और इसके अंदर डाल रही हूँ। जितना आप ज़्यादा गार्लिक डालोगे ना फ्रेश, उतना टेस्टी बनेगा। जी ये देखिए नज़र आ रहा, जी तो ये फोक्स ऐसे छोटा छोटा करके मैं इस ब्लेंडर में डालूँगी, ठीक है, तो डालती जाऊँगी। तो आप ये को 6-7 होने चाहिए, 6-7 जी। तो ये देखिए, देखा क्या बात है, तो ये देखिए नाज़रीन, बड़ा इजी है, वेरी क्विक टू मेक, बहुत आसानी से बन जाता है, ठीक है। ये मैंने डाल लिए और लगता है एक और हमने, ठीक है, एक और लेते हैं, और ये सन से रेसिपी है, तो इसमें 1-2 एंड देयर वी गो। अब मैं लूँगी इसके साथ जिंजर लूँगी, अभी जिंजर, ये देखिए कितना बड़ा है, पर इतना बड़ा हमने डालना नहीं है, तो हमें बस इतना इतना ही चाहिए, जी इतना चाहिए बहुत दफ़ा। अब इसको मैं छीलूँगी, और छीलने के बाद ये हमारा प्रोसेस शुरू हो जाता है नाज़रीन। तो क्या कहते हैं उसको, हंसते रहा करो, दूसरों को भी खुश रखा करो, यही लाइफ है। तो ये देखिए वो, ठीक है, अब मैं इसको छोटा छोटा ऐसे काटूंगी, बहुत हार्ड और टेम, प्लीज़ अपने फिंगर्स को बचाना। तो ऊप्स गिर गया ऐसे, तो ऐसे ऐसे और ऐसे। अब मैं इसको ग्राइंड करूंगी, वो मज़ा आ रहा था मुझे। तो फिलहाल नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं। जी नाज़रीन, अभी मैं पैन में प्याज ले रही हूँ, ठीक है, प्याज ले रही हूँ, तो अभी इसको छीलूंगी, ठीक है। छीलने के बाद जी, अब प्याज मैंने छील लिया, थोड़ा सा रहता था, ठीक है, अब इसको ऐसे हाथों के साथ जेंटली फिन फिन आपने बस काटना, इतना आसान, ये काट लिया, ठीक है। तो ये देखिए नाज़रीन, इतना इजी है, ठीक है ना, बस छीलते जाना आपने, छीलते जाना। इसके लिए मुझे लगता है कि मैं एक खो प्याज चाहिए। जी नाज़रीन, मैंने इसमें 3 प्याज डाल दिए, अब जो मैंने ग्राइंड किया था ना, अब मैं वो डालूंगी अंदर, गार्लिक और जिंजर जो मैंने ग्राइंड किया था, नाइफ के साथ ले लेना, क्योंकि वो सारा अंदर तक वो निकल जाता है। तो बहुत आसान रेसिपी है, तो हाथों के साथ हाथ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये हो गया। अब ये देखें नाज़रीन, इसमें ऑयल डाल रही हूँ, ठीक है, ऑयल डाल दिया, यानी कि आधे से थोड़ा सा कम ऑयल डालना अपने, और अभी चमचा,
अब हम हलाएंगे जी, हलाएंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए जी। इसमें हो रहा है जब माउफ, तो यस यस को हमने ब्राउन करना। फिलहाल उसके दौरान मैं क्या करूँगी, आलू काटूँगी जी, आलू काटूँगी और बहुत जल्दी बन जाती है रेसिपी, ज़रूर ट्राई करना नाज़रीन। तो मैं जब तक आलू काटती हूँ और आपको बताती हूँ, नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ कि कैसा लगता है जी बिल्कुल। और सोमी खान को देखते रहना जी, सोमी खान को देखते रहना, मज़े मज़े की हम वीडियोस देख के आती रहूँगी। आज बहुत गर्मी है जी, गर्मी बहुत ज़्यादा, तो देखते रहना सोमी खान को जी, देखते रहना सोमी खान को। अभी तो फिलहाल आलू काटते हैं और तैयार करके रखते हैं आलू, ठीक है ना जी। यस, जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू जी, शालू नहीं सोमी। तो नाजरीन मैंने आलू काट लिए और मैंने वॉश भी कर लिए। प्याज ब्राउन करने के बाद मैंने ब्लेंड कर लिया था और उसके साथ मैंने दो टमाटर्स डाले थे जी, दो टमाटर्स डाले थे और दो टमाटर्स लिए थे बड़े बड़े, तो उसको मैंने खट्टा ब्लेंड कर दिया था। अब ये देखो ऐसा रंग है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी सारे मसाले, ठीक है ना, मसाले डालूंगी सारे। और पहले शुरुआत करूंगी मैं लाल मिर्च, लाल मिर्च जी, लाल मिर्च डालूंगी अपने टेस्ट के मुताबिक, आपने डालना इतना आपको स्पाइसी चाहिए, ठीक है। उसके साथ मैं डालूंगी नमक जी, नमक और नमक डालूंगी। नमक भी आपने ये 1 टेबलस्पून, ये 2 टेबलस्पून और फ्री डालना, बिकॉज मेथी में भी नमक होता है, तो टेस्ट कर सकते हो और जरूरत पड़ी तो आप डाल सकते हो। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह। और अब हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर चाहिए। आज सब बिजी थी तो इसलिए ज़रा ऑर्गेनाइज नहीं हूँ। ओप्स, हल्दी इतना बस डालना आपने, हाँ इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर देना, ठीक है। जब मिक्स करना ऐसे करते जाना, अब देखो कितना अच्छा रंग आ रहा है इसका, अभी हम तेल डालेंगे। तेल बहुत ज़रूरी है, क्या कहते हैं इसको, ऐसी रेसिपीज में तेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो तेल डालेंगे हम, तो अपने मुताबिक आप जितना डालना चाहो डाल सकते हैं, बिकॉज हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस होती है। मैंने इसलिए डाला कि बहुत अच्छा लगता है मेथी में ऑयल ज़्यादा हो ना, तो अच्छा लगता है। अब इसको हम हिलाते जाएंगे जी। नाजरीन मैंने मेथी डाल दी है और अब मैं हिलाते जा रही हूँ अच्छी तरह, उसको ऑयल भी निकल जाए। और लुक देखो कितना नाइस, तो ऐसे बस मिक्स करते जाओ। क्विक रेसिपी है, ये देखिए नाज़रीन कितना मज़े का लग रहा है। मैंने आलू डाल दिए थे उसके अंदर, वाओ। अब ये हम भूलेंगे और पानी की ज़रूरत पड़े थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। लुक सो नाइस जी। यहाँ पर मैं विमी प्लेस विम्सलर रोड पर, ये देखिए कितने नाइस लग रहे हैं।
यानी कि ये पेपर, लेमन, लाइम अच्छे लग रहे हैं। ये ज़रूर तशरीफ़ लेके आना उबिमी प्लेस। ये देखिए बिंदिया और मज़े के लग रहे हैं। तो ये बैंगन, ये मेन रोड पर है। और ये देखिए टमाटोज, दे लुक नाइस, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये अनियंस और जिंजर गार्लिक, धनिया, पार्सली, बिल्कुल विंडसर रोड फालाफील में आता है, तो ज़रूर तशरीफ़ लेके आना। यहाँ देखिए पोटैटोज, वो मज़े के लग रहे हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छे लग रहे हैं कलरफुल फ्रूट्स। ज़रूर तशरीफ लेके आना। और लुक एट दोस मेलन्स, मेलन्स नाइस लग रहे हैं। स्ट्रॉबेरीज देखकर बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखिए यहाँ पर बहुत कलेक्शन है, सिलेक्शन ऑफ स्टफ। तो ये मीट सेक्शन, तो इन्होंने भी प्राइसेस अच्छी लगाई है। ये देखिए लेग लैम 799 सारा। ये देखिए बहुत नाइस बनाया इन्होंने। या सलाम वेरी वेरी नाइस। अब बंद होने का टाइम है इनका, 9 बजे बंद होते हैं। ये देखिए बहुत नाइस जगह है। और यहाँ देखिए कलेक्शन है बहुत इनकी, वेरी नाइस। आइसक्रीम्स देखिए, वाओ, आई लव दैट, वेरी नाइस। ये कुल्फी आइस देखो, वेरी नाइस। जी नाज़रीन, यहाँ पर मैं जिम में आई थी और क्या कहते उसको आपको बता दूँ कि वर्कआउट बहुत मज़े का रहा मेरा। तो मैंने आज वेट्स भी किए, ट्रेडमिल भी किया, कार्डियो भी किया और सिटअप्स भी किया। तो अपनी हेल्थ का प्लीज़ ख्याल रखा करें। मेरी ये गुजारिश है सबसे कि हेल्थ है तो सब कुछ है। जी बिल्कुल, हेल्थ है तो सब कुछ है, बिकॉज ज़िंदगी बहुत ज़्यादा छोटी है। जी तो मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि जिम आया करे या कोई ऐसी एक्टिविटी किया करे जिस पर आप एक्टिव रहेंगे, ठीक है ना, आपकी जो बोन्स होती है वो मज़बूत रहती है। जी तो अलबत्ता यानी कि क्या कहते उसको, फिट रहना अच्छी बात होती है। और मैं यह आप सबसे कहूँगी कि आया करे, हेल्थ is important। जी हेल्थ है तो सब कुछ है। मैं और सना इंशाल्लाह संडे को हम मूवी देखने जा रहे हैं। जी अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगी नाम, पर ये आप सबको कह सकती हूँ कि एक पंजाबी मूवी है, बहुत ज़बरदस्त मूवी है। तो मेरा दिल कर रहा था कि चलो, मैंने कहा चलो इतवार के दिन, संडे के दिन हम जाएंगे और आपको सबको दिखाऊँगे कि हमें कैसे लगी मूवी। जी हमें कैसे लगी मूवी, और क्या कहते हैं इसको, ज़रूर हम आपको साथ शेयर करेंगे, दिखाएंगे भी। और बस हमारे साथ रहा करें, सब्सक्राइब किया करें और लाइक किया करें और शेयर भी किया करें। जी मेरे जितने हैं सब्सक्राइबर्स, प्लीज़ आप मेरी जो वीडियोस होती है शेयर भी किया करें, बिकॉज़ ज़िंदगी छोटी जी है और मैं यहाँ पर सबको एंटरटेन करने के लिए हवाले से ये ब्लॉग्स बनाती हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि क्या कहते हैं मुस्कराहट आए सबके चेहरे पर, क्योंकि लाइफ इज़ छोटी शॉर्ट है। तो क्या कहते हैं उसको गाइस, एनीवे अभी देखते रहना, हम जाएंगे इंशाल्लाह बाहर और देखते रहना। अल्लाह।